इन द नैम ऑफ अल्लाह असलाकुम डर स्टूडेंट ऑफ क्लास टूल्थ वेलकम टू आल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन सेशन ऑफ सोशोलॉजी क्लास डर स्टूडेंटस एज यू नो इन द प्रीवियस सेशन वी वे आर डिस्कसिंग एबाउट माइनारटीज ऑफ इंडिया उसमें हमने ये बात की कि इंडिया जो है इज ए हिंदू डोमिनेंट कंट्री और वी कैन से हिंदू मेजोरिटी कंट्री जिसको हम हिंदू राष्ट्र भी कहते हैं तो यहाँ पे जो छोटे मजाहिब के लोग रहते हैं उनकी आइडेंटिटी को उनकी उनके कल्चर को उनके रिलीजन को उनकी लैंग्वेज को उनकी जो भी चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानूनी जो है जवाज चाहिए या इन माइनॉरिटीज़ को फेडरेशन में साथ लेने के लिए या साथ चलाने के लिए एक कमीशन बनाया गया ठीक है जिसका नाम रखा गया एन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़) क्या है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो एक्ट पास हुआ है 1992 में 1992 में इस कमीशन ने सबसे पहले यह काम किया कि इंडिया में जो है इट्स ए मल्टी रिलीजियस कंट्री मल्टीलिंगुअल कंट्री तो जो मेजर या यहां पे जिसको हम मेजॉरिटी रिलीजन है दैट इज जो माइनॉरिटी में यहाँ लोग रहते हैं जो दूसरे मज़ाहिब के लोग यहाँ पे माइनॉरिटी में रहते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने सबसे पहले छह रिलीजन को और कैन से छ मजाहब को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया ठीक है सिक्स रिलीजनस वायर डिक्लेयर्ड एज माइनॉरिटीज ठीक है इनमें कौन कौन सब सबसे पहले है मुस्लिम्स उसके बाद क्रिश्चियनस, उसके बाद सिखस उसके बाद बुद्धिस्टस फिर है पारसीज एंड जैनस, एंड दीज आर दिक्स रिलीजन्स विच वायर डिक्लेयर्ड माइनॉरिटीज बाई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इन नाइनटीन टू अब इस कमीशन जो है इसने इनके हवाले से बहुत से अच्छे काम सबसे पहला जो है दैट इज माइनॉरिटीज और वी कैन से माइनॉरिटी कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इसने जो ये काम किया कि हिंदुस्तान में जो हमारे इस देश में जो माइनॉरिटीज है इनको फेडरेशन में साथ लेने के लिए हमने इनके कल्चर को हमने इनकी लैंग्वेज को हमने इनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है तब जाके ये यहां पे एक पीसफुल मैनर में रह सकते हैं ठीक है और वी कैन से दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमीशन ठीक है वाय टू प्रोटेक्ट द दिक्यूलर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन फेडरेशन ठीक है अगर इस कमीशन ने ये बात नहीं की होती यहां पे भी इन आपस जो है इंटर इंटरलीजन जो है कॉन्फ्लिक्ट रहते थे ठीक है या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इंटरलीजन या माइनो इन ग्रुपस के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते ठीक है लेकिन इसने सबसे पहली बात की जो की है वो है प्रमोट नेशनल इंटेग्रेशन एंड रिमूव द फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनक्वालिटी फ्रॉम द माइंड ऑफ माइंड एंड हार्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन्होंने सबसे पहले माइनॉरिटीज में यह विश्वास जगाया कि नहीं आप भी इस मुल्क के हिस्से हो आप भी इस देश का जो है एक आ, प, आ, लाजमी हिस्सा है आपको भी यहां जिंदा रहने का हक हाँ है आपको भी अपने रिलिजन की जो है वर्शिप करने की पूरी इजाजत है आपको अपनी लैंग्वेज uh, है इसको प्रोटेक्ट करने की पूरी इजाजत है आपका जो कल्चर आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो आप जहां पे भी मतलब अपनी चॉइस uh, uh, के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चॉइस कर सकते हो इनके लिए जॉब रिजर्वेशन रखी गई ताकि इन लोगों में ये कॉन्सेप्ट डेवलप ना हो कि हम इस मुल्क के का हिस्सा नहीं है या ये अपने आप को एलिनेटेड ना समझे ठीक है जो इस कमीशन uh, ने सबसे अहम बात की दैट इज रिमूव द फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनिक्वालिटी ठीक है फ्रॉम द माइंड एंड हॉट्स ऑफ माइनॉरिटीज ये किसने बात की ये इस कमीशन ने बात की और इस कमीशन को और फाल बनाया गया 1993 में ठीक है इसमें जो है कुछ अमेंडमेंट की गई अब इसको एक कानूनी अब अभी तक तो ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए पास हुआ था लेकिन अब इसको बाजायबा तौर तो पार्लियामेंट में अच्छी तरह से मतलब पूरी मेजोरिटी के साथ पास किया 1993 में ठीक है इस कमीशन में जो होता है एक चेयरमैन होता है और पांच मेंबर्स होते हैं ठीक है और ये ये हर पांच साल के लिए इसमें इलेक्ट होता है कौन ये चेयरमैन या इसको हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं इस कमीशन का हर पांच साल के लिए इलेक्ट होता है ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसने बहुत सारी राइट्स एंड गारंटीज फॉर माइनॉरिटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ऑलरेडी में की हुई है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी नाइन की आर्टिकल ट्वेंटी नाइन की आर्टिकल ट्वेंटी नाइन ये कहता है कि हिंदुस्तान में जो भी माइनॉरिटीज है इनको पूरा हक है कि ये अपने रिलीजन ये अपनी लैंग्वेज ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरा जो है इ, इन माइनॉरिटीज को हक दिया गया कि ये अपने रिलीजन अपने कल्चर अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसी तरह आर्टिकल थ्री ठीक है आर्टिकल थ्री में ये बात है स्टेट और वी कैंसी द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल यहां पर यह चीज है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे जो माइनॉरिटीज है अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या हिंदू मेजोरिटी कंट्री की बात करते हैं तो लेकिन जो माइनॉरिटीज है उनकी लैंग्वेज अलग अलग है उनका रिलीजन अलग उन उनको जब पढ़ाया जाए तो उनको अपनी मदर टंग में पढ़ाया जाए एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है ठीक है सो दिस वाज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया ठीक है थैंक यू